पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री रामलीला महासंघ के संस्थापक स्वर्गीय कमलेश कुमार की 30वीं जयंती पर चाय और खिचड़ी का वितरण किया गया। चौमुखा पुल पर आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन महासंघ के अध्यक्ष राजेश रस्तोगी द्वारा संपन्न कराया गया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों से लोग एक साथ आए और एक दूसरे के साथ चाय खिचड़ी का आनंद ले। उन्होंने बताया कि ये एक सामूहिक उत्सव है जो समाज को साथ लाने और संस्थापक की विचारधारा को याद करने का माध्यम है। इस मौके पर महासंघ के कोषाध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, महामंत्री कुमार देव, विधिक सलाहकार एडवोकेट श्रीराम शर्मा, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रत्याशी आनंद मोहन गुप्ता भी मौजूद रहे। जयंती है श्री रामलीला महासंघ के तत्वाधान में खिचड़ी चाय मछली का वितरण कर रहे हैं और समाज के सभी लोग यहाँ आकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और ये रामलीला महासंघ के लिए अच्छा दिन है जिसमें हम लोग ये हमारे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय कमलेश जी को याद किया जा रहा है और यहाँ सभी संस्था के लोग उपस्थित हैं। सब यहाँ सेवा दे रहे हैं अपने सेवा चल रही है और मैं लोगों से कि रामलीला महासंघ जो कि राम जी से जुड़ा है, राम जी के संस्थान से जुड़ा है, उससे जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाए और अपने जीवन में भगवान राम के आदर्शों को सम्मिलित करें। ये कार्यक्रम हर वर्ष होता है, पिछले तीन साल से हम लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं और प्रभु की कृपा रही तो हम ये लगातार आगे भी करते रहेंगे। रामलीला महासंघ इस तरह की सेवा आपको देता रहेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।